हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चॉकलेट केक बनाएंगे। आइए देखते हैं केक के लिए क्या क्या सामान लगेगा। एक कप दूध लिया है, दो चम्मच कोको पाउडर है, एक कटोरी गुड़ है, दो चम्मच घी है, आप बटर भी ले सकते हो, आधी चम्मच वनीला एसेंस है, दो चम्मच मिल्क पाउडर है और एक नींबू का रस निकाला है, एक चम्मच बेकिंग पाउडर है, आधा चम्मच बेकिंग सोडा है और एक चुटकी नमक लिया है। एक कटोरी आटा चाहिए। आइए केक के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। ये कटोरी गुड़ है, ये कप दूध है, इसको अच्छे से घोल लेंगे। फिर ये ऑयल डाल लेते हैं इसमें। इस सारे सामान को अच्छे से छान लेंगे। अब इसको बहुत अच्छे से सारा सामान इसमें घोल लेंगे। अब इसमें आधी चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे। अब हम इसमें मिल्क पाउडर भी डाल देंगे। अब हम ये नींबू भी डाल देते हैं इसमें। अब हमारा बैटर बनके रेडी है। हम आज केक कढ़ाई में बनाएंगे, तो थोड़ा नमक डाल लिया है इसमें। अब इसके ऊपर प्लेट रख देंगे। आपके पास स्टैंड हो तो आप स्टैंड भी रख सकते हो। इसको 5 मिनट के लिए कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। अब हम केक के मोल्ड पे घी लगा लेंगे। घी या ऑयल कुछ भी लगा सकते हो आप। अच्छे से लगा लेंगे चारों तरफ। केक मोल्ड में हमने घी लगाने के बाद बटर पेपर लगा लिया है। बटर पेपर आपके पास ना हो तो आप उसमें नीचे आटा भी लगा सकते हो। अब हम ये इसमें डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा हिला लेंगे जिससे कि इसके अंदर की एयर निकल जाए। अब हम ये इसमें रख देंगे बनने के लिए। अब 40 मिनट के लिए अब हम इसको ढक देंगे। किसी भी बर्तन से ढक सकते हैं। अब हम केक की फ्रोस्टिंग के लिए तैयारी कर लेते हैं। ये आधा कप दूध है, एक कटोरी गुड़, दो चम्मच कोको पाउडर और ये एक चम्मच बटर लिया है, आप घी भी ले सकते हो, और ये आधी चम्मच कॉफ़ी पाउडर है और ये डेकोरेशन के लिए, आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो इसकी जगह पर। अब हम इसको घोल लेते हैं। अब ये कोको पाउडर डाल देंगे, कॉफ़ी पाउडर भी डाल देंगे इसमें आधी चम्मच, और ये इसमें बटर भी डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे जिससे कि सारा अच्छे से इसमें घुल जाए। अब हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे। अब हमारा ये केक बन गया है। इसमें हम एक स्टिक डाल के देख लेंगे। देखिए चिपक नहीं रहा है, बन गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमने केक उसमें से निकाल लिया है। अब हम ये हटा देंगे। अब हमारा ये केक बन के रेडी है। अब हम इसकी फ्रोस्टिंग कर लेते हैं।